जियो ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं। हेलो हेलो, अरे फोन क्यों काट दिए? हाँ भाई, सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन भाई? अरे अभी बात कर रहा था ना भाई, आसिफ वही बोल रहा हूँ, फोन काट दिया तुमने। हाँ बोलिए भाई। बोल रहा भाई, फोन क्यों काट दिया? अरे भाई, अपने ऑफिस में हूँ मेरे भाई, अब जब टाइम मेरे भाई होता है तो बात आपको कॉल बैक हमने कर लिया, अब ऑफिस तो आपके चक्कर में भाई फोन नहीं। ठीक है, हाँ मैं आपको ये बोल रहा हूँ ना भाई, देखो आप क्या बोल रहे थे, मैं फारूक, मैं अहले हदीस हूँ, मेरे को बुरा लगा है बात, ठीक है? तो भाई जिस तरह आपको बुरा लगा है ना, सीधगी से बात करो आपसे मैं। जी जी, आप आराम से बोलिए मेरे भाई। ठीक है, जिस तरह आपको बुरा लगा है ना, तो उनका मकसद खास करके आपको बोलने का नहीं था, क्योंकि वीडियो में आपने देखा होंगे कि जर्जीज गाली देता है, मेराज रब्बानी ने गरीब नमाज सजदा बोला और माजल्ला क्या क्या बोला है, तो ज्यादातर उनको था। ये चाहिए ना कि वो लोग ना, क्योंकि उन लोग को पूरी दुनिया जानती है भाई, कोई सऊदीया से तकरीर करो, उन लोग की तकरीरें आती है, आपकी नहीं आती है। तो ये चाहिए ना उन लोगों को कि मैं जब उन्होंने वो किया ना, तो उनकी वो रिप्लाई करे यार कि मैं बैठूंगा साथ में। तो आपको बुरा लगे, आप बैठने की बात कर रहे हो उनके साथ में, आपकी इमेज जब और उनकी इमेज जब, यार उनको पूरी दुनिया जानती है, आपको कोई भी नहीं जानता, आप समझ रहे हो कि नहीं? आप बात करो, अगर अगर तुमको करना है बात, ठीक है, तुम कह रहे हो नहीं मैं करूंगा, तो तुम्हारा तुम्हारे किसी मदरसे से अहले हदीस के मदरसे से फ्री लिखवा करके वीडियो अपलोड करो, जिस तरह से सारी वीडियो कर रहे हो यूट्यूब पर अपलोड करो कि मेरी जीत सारे अहले हदीस की जीत होगी और मेरी शिकस्त सारे अहले हदीस की शिकस्त होगी, फिर मुनाजला करो बैठ के आराम से करो और मजमे में करो। आप बोल रहे थे ना उसमें, यार नहीं हमको फोन से ऐसा पता, फोन पर कोई मुनाजरा नहीं होता है, सामने बैठ करके उनसे बात करो, ये लिखवा करके ले लो आप। भाई यही तो मैं भी कहता हूँ, फोन पे मेरे भाई होता ही नहीं है मुनाजरा, फोन पे तो इतनी बहस आदमी चाहे तो कर सकता है, लेकिन जो मुनाजरा होता है वो आमने सामने होता है, किताबें मौजूद होती हैं, उसूल तय होते हैं, शरायत तय होती हैं। ये तो लोग मेरे भाई अपने वो लोगों से फोन पे बात की और उसको अपलोड कर दिया मुनाजरा मुनाजरा। अब जैसे ये सूफी कलीम हनफी रिजवी है कि फोन पे बात करता है, उसको अपलोड कर देता है, बोलता है मुनाजरा, तो वो जाहिल है ना, हम लोग जाहिल नहीं है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं फोन के ऊपर मैं बहुत बड़ा अल्लामा हूँ, मुनाजरा करता हूँ। मैं तो भाई हमेशा कहता हूँ कि मैं छोटा सा दाई हूँ भाई, मैं इल्मी अंदाज में लोगों से बात करता हूँ, बहस करता हूँ, बस। देखो मुनाजरा मैंने आज तक कभी फोन पे किया ही नहीं, कोई मुनाजरा फोन पे होता ही नहीं है, करने की बात ही छोड़ दो। बिल्कुल सही कह रहे आप मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई आपकी बात को मान रहे हैं, फोन पे हो ही नहीं सकता मुनाजरा। हाँ, दूसरी चीज मेरे भाई ये है कि फारूक खान साहब को मेरे भाई सारे लोग जानते हैं और आपको कोई नहीं जानता, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप कहीं भी जाइए मेरे भाई, ठीक है, कोई भी जमीयत में, इलाहाबाद की हो, कानपुर की हो, ठीक है, लखनऊ की हो, मुरादाबाद की हो, यहाँ तक कि मेरे भाई सऊदी तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ऑडियोज है भाई वो जाती है, ठीक है, सऊदी में, जापान में, कतर में, अमेरिका में, तो ऐसा नहीं है कि खाली उनको सब जानते हैं, हमें कोई नहीं जानता, ठीक है, लेकिन मशहूर नहीं होना यार आप, देखो अभी भाई मशहूर नहीं, यार क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2000 से ज्यादा हनफियों से बात की है, सारे लोग मेरे को जानते हैं, यहाँ तक कि फारूक खान साहब से मैंने खुद बात की थी एक साल पहले, उसका भी ऑडियो अपलोड है। ठीक है, आपने किए होंगे, ठीक है माना। और दूसरी चीज मेरे भाई, हम कह रहे हैं हमें कोई नहीं जानता दुनिया में, हमें कोई नहीं जानता, चलिए मान लिया बहस के तौर पे, लेकिन हम तो उनको जानते हैं ना, आप लोग तो उनको जानते हैं ना। हाँ हम लोग तो जानते हैं भाई, आप लोग उनको जानते हैं ना, चलिए हमको आप भाई, ठीक है, हमें ना आप मतलब जानते हैं ना कुछ, उनको जानते हैं ना, तो मैं भी उनको जानता हूँ, मैंने उनसे उनका मेरे भाई जो मतलब जो साथी लोग थे, चेले लोग थे, उनका फोन आया मेरे पास, मैंने उनको छेड़ा नहीं, उनके लोगों ने मेरे पास फोन किया और मेरे से बदतमीजी की, ऑडियो अपलोड है मेरे पास, ठीक है, अगर आपको देखना हो देख लीजिएगा, इनके चेलों ने कहा कि फारूक खान साहब 16 मार्च को आ रहे हैं इलाहाबाद में 2019 में, और उन्होंने उनका एक पैगाम है, ऐसे बोला, कहा कि उनका एक पैगाम है कि अगर हिम्मत हो तो आमने सामने आके बात कर लो, मुनाजरा कर लो, तो मैंने कहा भाई मैं बीच वालों की बात को मैं नहीं मानता हूँ, कहने नहीं उनका पैगाम है, मैंने अच्छा पैगाम है, ठीक है, तो मैंने उनसे डायरेक्ट फोन पे बात कर ली, बस इतना मैटर हुआ, अगर वो ये सब ना बीच में होता तो मैं उन्हें फोन ही ना करता। हाँ मेरी बात तो सुनो, आपसे डायरेक्ट फारूक साहब तो नहीं बोले ना, मतलब
दूसरा कोई अगर फोन करके बोल रहा तो उसका एग्जाम आप फारूक साहब पे थोड़ी दे सकते हो, आपको डायरेक्ट फारूक साहब दूसरा नहीं है भाई, वो फारूक खान साहब ने उसके उसके मेरे भाई मतलब जो वो गला होता है उसमें हार डाला और हार उसको पहनाया, क्यों वो इंसान कौन है पता, जिसने हमारे पे फोन किया था उसने IRC सेंटर में जाके एडवोकेट है सैयद साहब का जो मतलब जो IRC है औरंगाबाद में वहाँ पे जाके चोरी छुपे उसने वीडियो बनाया, उसको इस खुशी में फारूक खान साहब ने उसको इनाम दिया, उसको फूल पहनाया कि हाँ बहुत अच्छा काम किया, वहाबियों की पोल खोल लो, वाह रे वाह, मतलब चोरी करने वाले को इनाम दिया जाता है आपके वहाँ, भाई हमारे वहाँ तो इनाम नहीं मिलता है। और यकीन मानिए अपने दिल पे हाथ रख के आप कहिएगा, अगर मैं कहीं या मेरे कोई साथी कहीं, अगर मान लीजिए बरेलवियों का कोई मेरे भाई मतलब कोई वो है तंजीम है या कोई सेंटर है वहाँ जाके चोरी से वीडियो बनाते हैं और अगर वो पकड़ लिया जाए तो बरेलवी लोग उसको इतना मारेंगे और पुलिस थाना कानूनी कार्रवाई सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे वहाँ के लोग हैं उन्होंने उसको इज्जत के साथ मेरे भाई जाने दिया, ठीक इज्जत के साथ, क्या चलो चोरी से वीडियो बनाया है, खाली उसको डांटा कि ये क्या है, आपको वीडियो बनाने से पहले मेरे भाई परमिशन चाहिए थी, आप चोरी छुपे वीडियो बना के लाइव उसको अपने चैनल के ऊपर दिखा रहे हो, ना उसको मारा ना पीटा, इज्जत से छोड़ दिया, और कोई होता ना कचर के मारता और पुलिस को बुलाता कहता ये चोरी करने आया था। आप किस किस वीडियो की बात कर रहे हो भाई, जो फारूक कोई है ठीक है उसका नाम है रजा, फारूक रजा ठीक है मुंबई का है, वो गया था IRC सेंटर में और कैमरा उसने ऑन करके पहले फैज भाई का जो मकान है और उसी के नीचे उनका ऑफिस से सेंटर है उसका वीडियो बनाया और बोला ये देखो वहाबियों के मकान तो पक्के हैं, कौन से साहबा मतलब भाई पक्के मकान में रहते थे, और खूब उल्टा सीधा बोला और कैमरा ऑन करके चला गया वहाँ के आलम दीन से, आराम से इज्जत से बात कर रहा था, वो भी इज्जत से बात कर रहे थे। IRC में जब वहाँ पे मतलब जो लोग होते हैं फोन पे बताते हैं कि जो इंसान आया है वो चोरी से बना रहा है वीडियो, तो क्या होता है पता है, आलिम साहब खाली इतने ही कहते हैं इतने ही डांटते हैं कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, अगर ये किसी बरेलवी की वहाँ होता ना बरेलवी मारपीट करने लगता, ये चीज आप भी जानते हो। चलो उसने गलत कह रहे, फारूक साहब की बात क्या है मतलब मैं ये कह रहा, फारूक खान साहब जो है ठीक है रजवी साहब उन्होंने फारूक जो है ठीक है रजा इसको मेरे भाई बताया इनाम दिया फूल चढ़ाया इसके गले में, इसका वीडियो इसने अपने चैनल पे अपलोड किया है, मतलब चोरी करने वालों को आपके वहाँ के जो अल्लामा लोग हैं वो मतलब भाई उपहार दे रहे हैं, आप ये इल्जाम डाल रहे हो भाई, आप ये इल्जाम डाल रहे हो। अच्छा ये चोरी नहीं है आप बता दो अपने दिल पे हाथ रख के, मैं आपको आपको इल्म गए भी क्या, मैं अभी आपके घर पे आऊँ और चोरी छुपे आपका वीडियो बना के लाइव अपने चैनल पे उसको दिखाऊँ बिना आपकी परमिशन के, ये चोरी है कि नहीं, मेरी बात सुनो जी। चलो मैं चलो मैंने माना मैंने चलो अगर मैं कहता हूँ ये चोरी है, तुम फारूक साहब की बात कर रहे हो उन्होंने हार पहना तो क्या इसी वजह से उन्होंने हार पहनाया तो ये पता है क्या इसी वजह से पहनाया ना, अरे यार तो की पोल खोल दी IRC में जाके इतना हिम्मत का काम किया चोरी छुपे वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया के बहुत बड़े वो लामा बन गए तो उनको बकायदा उनकी मतलब भाई वो जो क्या होता है उनकी अच्छाई के लिए ठीक है हौसला अफजाई के लिए उनको मेरे भाई बकायदा फूल पहनाया कपड़ा उनके ऊपर डाला, ये सब क्या है। फारूक खान साहब को कहना चाहिए था बेटा ये जो कर रहे हो ना दीन फैलाओ, लेकिन चोरी छुपे किसी के सेंटर पे जाके उसकी जो मेरे भाई प्राइवेट बातें हैं वो तुम आवाम में शेयर कर रहे हो, तो प्राइवेट बात तो लोग कुछ उसके खिलाफ कर रहे होंगे तभी तो उसने वीडियो बनाया होगा ना भाई। अरे भाई वीडियो देखिए हम अगर आपको फोन कर रहे हैं अगर आपने देखा चलो ठीक है आपने आपने तो आप लोग देखे तो उसमें कार्रवाई करना चाहिए आप लोगों को करो ना, यही तुम कह रहे हैं ना ये अहले हदीसों की ये शान है कि वो छोड़ देता है लेकिन ये बरेलियों में मेरे भाई हिकमत नहीं है, बरेलियों तो भी आज बाद है तो पटक के मारने लगे गिरा गिरा के क्योंकि उनके अंदर क्या है वो खाली मारपीट बस वो सोचते हैं मारपीट से हम जीत जाए और हम लोग सोचते हैं चलो ठीक है अल्लाह के वहाँ हिसाब होगा। भाई सुनो मेरे बड़े आप आज तक आपको ये वीडियो मुझे दिखा रहे हो कि मतलब तुम कि अहले हदीसों ने बरेलवी से जीत करके गया किसी मुनाजरे में, एक वीडियो भी दिखा दो यार आपकी क्या चीज यूट्यूब के ऊपर अहले हदीसों ने बरेलियों से जीत करके गया, अरे जहाँ पे भी बरेली आप किसको मानते हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ देखिए जीत आपकी नजदीक है क्या, कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात नहीं करते हो, देखिए ज्यादा बोलना अगर मेरे भाई जीत है तो भाई तब तो हम लोग हार जाएंगे क्योंकि भाई उनकी तरह ज्यादा बोल नहीं सकते हम लोग, हम लोग बकबक करने का टाइम नहीं है,
हम लोग सीधे अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह के नबी ने भैया ऐसा किया, आपको करना हो तो करो वरना उठाओ बस्ता नापो रास्ता। हम लोग मेरे भाई कम अल्फाज में ज्यादा बातें बोल देते हैं और वो लोग ज्यादा बोल सोचते हैं कि हम जीत गए। कम अल्फाज में ज्यादा नहीं, आप लोग झूठ गलते हो भाई। अब एक चीज बताएं, बुरा ना मानिएगा ठीक है, आप अपनी छोटे भाई जो देवबंदी हैं उनसे तो मुनाजरे में आप जीत नहीं पाते हैं, पहले हदीसों से तो मेरे भाई ख्वाब है आपका ये। अरे भाई आप कैसा लग रहे हैं, जितने मुनाजरे हमने देखे ना, आप में जो बुजुर्गों की गलतियां थी वही आपने दिखाई है। पहले हदीस का जो मनहज अमल अकीदा है उसमें एक गलती आपने, आप अपने किसी भी आलिम का ना एक चीज उठा करके, तो आपका एक ही चीज का इत्तेफाक नहीं है। मेराज रब्बानी उसी वाक्य को अलग बता रहे हैं, अलग बता रहे हैं ख्वाजा का माना। देखिए ख्वाजा का जो माना है ना उस पे मैंने भी बात की है ठीक है, और मैंने खुद कहा ख्वाजा का माना मेरे भाई हिजड़ा भी होता है, लेकिन हम हिजड़ा हम नहीं बोल सकते क्योंकि IRC जो है ना एडवोकेट का सैयद साहब का, उसमें जो उनके जो ऑफिस के जो मेन मतलब भाई अध्यक्ष है उनका भी नाम है अलीमुद्दीन ख्वाजा। अब क्या उनको हिजड़ा बना देंगे, तो ख्वाजा का माना हिजड़ा भी होता है और बाकी माने भी होते हैं। तो मेराज रब्बानी ने फिर क्यों लिया ये इसका माना? अरे तो मेरे भाई लुगत में माना है उन्होंने भाई, वो ले लिया। अरे भाई तो आप कुरान पढ़ते हो ना, कुरान के अंदर होती है ना कि वो लोग नबी को। अरे भाई जैसे आपके फारूक खान साहब ने जो मेरे भाई माना उसका ले लिया है ठीक है, सूर्य कलम की आयत नंबर 13 का कि असल में खता का माना उन्होंने ले लिया है, कि इसका माना ये है कि तमाम जितने मतलब जो भी देवबंदी है अहले हदीस से उनको हराम की औलाद बोलो, तो जैसे उन्होंने माना ले लिया वैसे उन्होंने माना ले लिया। सुनो बात, सारे वहाबियों को नहीं कहा उन्होंने जो नबी। अरे भाई ये कौन सा लोग स्टेज के ऊपर कह रहे हैं कि अगर कोई अहले हदीस हो वो मेरी आवाज सुन रहा हो तो वो सुन ले, अगर कोई अहले हदीस हो, ये अल्फाज है, ये नहीं कहा कि अहले हदीस जो उलमा है भला भला नाम है। कह रहे भाई मेरी बात तो सुनो, हम भी तो कह रहे हैं कि जो नाम न्याद अहले हदीस है जो नबी की शान। जब उनसे मेरी बात हुई, मेरी बात होने के बाद उन्होंने हमारे साथी से कहा कि मैं सबको नहीं कहता हूँ, मैं तो जो मतलब ये फला फला लोग हैं जो वजू की शान में तोहिन करते हैं मैं उनको कहता हूँ। बात सुनो, आप लगता है वीडियो सुनो, मैं उनकी हर वीडियो सुनता हूँ भाई, मेरे को पता है भाई, मैं भी सुनता हूँ। हाँ देखो भाई एक बात बताओ भाई, उसमें कुफर उसके ऊपर लगेगा ना जो काफिर होगा, आपको पता है ना, अगर कुफर नहीं होगा तो ऊपर लौट आएगा, आपको पता ही है ना, अगर काफिर को भी काफिर कहोगे अगर काफिर नहीं है तो उसके ऊपर कुफर लौट आएगा ठीक है। तो वो उनको ही करोगे में कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने फारूक खान साहब की अल्हम्दुलिल्लाह हम इज्जत करते हैं, मेरा जो उनसे इख्तलाफ है वो इल्मी इख्तलाफ है, कोई जाति इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इनके लोगों ने जातियात को हमला करना स्टार्ट कर दिया। आप मैं इसके लिए बोला कि अगर आप जो बात कर रहे हो ना भाई, तो आप ना ठीक है, उन्होंने बोले ना आपको, आप बड़े बड़े लोगों को बुला लो बैठ जाओ पूरा मामला। अच्छा भाई एक ही बताइए, अब फिर हमको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि जिसको एक हदीस मेरे भाई पढ़ना नहीं आता, मनता शब्बा हब्बा पब्बा, उसके लिए हम बड़े बड़े लोगों को बोले में कच्चा करके क्या हमारे बड़े बड़े लोग क्या मेरे भाई पढ़ते हैं? अरे मेरी बात सुनो, हमारे जलालुद्दीन कासमी हाफिजुल्लाह जब वो हदीस पढ़ते हैं ना, एक घूट पानी पीते हैं और डेढ़ सफर सास में पढ़ देते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हदीस पढ़ते हैं हमारे ईमान में थी तो लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अब इनके तो लोगों से कौन मिलेगा, इनके लिए तो हम ही लोग काफी हैं। सुनो तो बात तो सुनो, मेरी बात सुनोगे जी, ये तुम्हारी मुनाफिकत, अगर हदीस पढ़ रहे थे मंतशब कौमी हदीस पढ़ रहे थे ना, तो अगर वो भूल गए उसमें तो क्या इसको ला इल्मी बोलते है क्या? अब आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब देखिए देखिए अब देखिए अब यहाँ से मेरे भाई एक चीज गौर कीजिएगा ठीक है, चलिए भूल गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आदम की जो मतलब जो औलाद है भाई उनसे भूल चूक हो जाती है, खता कर रहे हैं वो ठीक, कोई मासूम नहीं है भाई, हमसे भी भूल चूक होती है। एटॉमिक नंबर एक को हम बता रहे थे ठीक है, तो मैंने गलती से बोल दिया था कि जो ये मतलब जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये होते हैं 112, तो मेरे मुंह से भी निकल गया था। सुनिए सुनिए सुनो जी जी, एक मिनट मेरी लाइन तो सुन लीजिए, आपके फारूक खान साहब वो इंसान है उनसे भूल चूक हो जाए, और हमारे जो आलम दीन है उन्होंने एक अपने बयान में बोल दिया था कि आदम आए और गए, नूह अलैहि सलाम आए और गए, ईसा आए और फौत हो गए, आपने बताया कि हो जाएंगे, लेकिन फारूक खान साहब ने उनका इतना वीडियो काट के इतना उनको बदनाम किया। आप लोग भी तो वही कर रहे हो,
मैं भी तो वही कर रहा हूँ, इनका भी वीडियो कितना वीडियो बनाया है, और मैं भी जितने शुरुआत की देखिए शुरुआत की है वो बात सुना। अरे भाई बीज बोया तो काटना पड़ेगा ना मेरे भाई, बात तो सुनो मेरी, जब ईसा आए मर गए तो उनके ऊपर तौबा लाजिम है, उन्होंने कहा कि भाई इसने तौबा कहाँ की है बताओ, तौबा तो करो, इसमें तौबा लाजिम है भाई, उन्होंने हाथों ये कौन जाने बोला तौबा लाजिम है इस पे भाई, उन्होंने जो बात की है ना वहाँ पे भाई, मैं तो कह रहा हूँ ना जिस दिन मेरे भाई को आमने सामने आके बैठेगा ना उस दिन बात कर लेंगे तौबा भाई इसके ऊपर लाजिम है कि नहीं। एक साहबी होते हैं, साहबी का पूरा सामान खो जाता है, जानवर खो जाता है, बेचारे रेगिस्तान में परेशान होते हैं और सो जाते हैं रोते रोते, और जब जागते हैं तो देखते हैं कि उनका जो सामान होता है, सवारी होता है, माल होता है, सब वापस आ जाता है, तो वो इतने जोश में कहते हैं कि मेरे रब मैं तेरा अल्लाह तू मेरा बंदा, मुझे पता है भाई, सुना मत मुझे ये तुमको सम... लेकिन ठीक है तो आप इन कीजिए मेरे भाई, असल में अंधे मुकल्लिद मेरे भाई बन के बात कर रहे हैं फारूक खान साहब, सुनो मेरी बात सुनो, हाँ मैं इसके लिए कह रहा हूँ भाई आपको, हाँ भाई फारूक की तरफ से मैं बात करूँ, सही से आप सही समझ रहे हो, मैं इसी के लिए कह रहा हूँ, अगर उन्होंने कहा कि भाई ईसा आए और मर गए, मुर्दा मान रहे हो तुम, नबी को मुर्दा कह रहे हो भाई, एक चीज बता दें ये अल्फाज़ी नहीं है कि ईसा आए और भाई वो मर गए, ये नहीं कहा उन्होंने, आदमी मेरे भाई जब स्पीड में बोलता है फ्लो में बोलता है कि आदम आए और गए, ठीक है मूसा आए और गए, ईसा आए और गए, और फौरन ही तुमने कहा कि नहीं आएंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे, दज्जाल को मारेंगे फिर फौत होंगे, देख लेना वीडियो देख लेना, वही ये ईसा आए और फौत हुए देख लो, यही जुमला है, अगर जुमला नहीं निकलाना तो फिर बोलना आप भाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये मेरे भाई अल्फाज अगर हुआ ये फारूक खान लैपटॉप बाबा ने वीडियो एडिट करके उनको बदनाम करने की कोशिश की थी, और जब हम लोगों ने उसकी पोल खोली तब से बेचारा परेशान है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसकी इतनी बेइज्जती करवाई है, मनता शब्बा हब्बा पब्बा कार्बन डाई नहीं कार्बन डाई भाई वो हाइड्रोजन छोड़ता है, अरे यार मेरे भाई। मोहतरम दोस्तों, फारूक रिज़वी जो आजकल बरेलवी लश्कर का बहुत बड़ा सूरमा बना हुआ है, असल में कितना बड़ा मक्कार और धोखेबाज आदमी है, जानने के लिए आप ये वीडियो देखिए। आइए कौन से नदी की बात हो रही है, जरा खुद ही सुने और जरा देखें आप कितनी दानी से पकड़ते हैं जुमला। इधर ये तौसीफ़ रहमान हकीम की आयात पे गौर कीजिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला। हेलो गो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल है, इनसे पहले भी रसूल आए और गए, आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए, ईसा क्या पकड़े आप बताइए, ईसा पैदा हुए फौत हुए, इसको ख्वाब में दिखा, कुरान तो कहता है ईसा आसमान में उठा लिए, मगर नबियों को मुर्दा बताने का हैसा फैला हुआ है जमाने में, तो नतीजा क्या हुआ, आदम आए गए, मूसा आए गए, ईसा पैदा हुए फौत हुए। अब जरा ये भी देखिए और गौर से सुनिए, तीसरे मकाम पे कुरान हकीम की आयात पे गौर कीजिए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिही रुसुल अफ़ इन माता औ कुतिला। हेलो गो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल है, इनसे पहले भी रसूल आए और गए, आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कियामत से पहले ईसा इब्ने मरियम दुनिया पे नजूल करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर उनको मौत आएगी, आदम आए गए, मूसा आए और गए, ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कियामत से पहले ईसा इब्न मरियम दुनिया पे नजूल करेंगे, 40 साल हुकूमत करेंगे और फिर उनको मौत आएगी, ईसा पैदा हुए और फौत हुए होंगे,
رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم دنیا پہ نزول کریں گے, 40 سال حکومت کریں گے اور پھر ان کو موت آئے گی. تو دیکھا اپنے فاروق رضوی کے کمینے پن کا کیا عالم ہے, اور اپنے مخالفین کو بدنام کرنے کے لیے یہ آدمی کس حد تک گر سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ایسے دجالوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے.